इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो यौम इकबाल करीब है और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म तरानों ने गोया उर्दू को कुव्वत बख्शी है, जिसके लिए मुहिब्बा ने उर्दू कयामत तक भी उनका एहसान माने तो कम ही है। लेकिन अल्लामा इकबाल से नफरत करने वाले मोहब्बत के दुश्मन भी भारत में कम नहीं है और पिछले कुछ सालों में इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। मोदी योगी हुकूमत में यह लोग दंदना रहे। इस खबर को एक बार फिर याद करना जरूरी है। वैसे तो तकरीबन मीडिया गोदी मीडिया है, लिहाजा अल्लामा इकबाल से नफरत करने वालों पर कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। क्या है वाकिया और कौन है वह शख्स जिस पर अल्लामा इकबाल का कौमी गीत लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, स्कूल में पढ़ाए जाने पर नौकरी से निकाल दिया गया। फुरकान अली सरकारी स्कूल में उस्ताद हैं और सरकारी स्कूल में बतौर दुआ यह नज्म लप्पे आती है बरसों से पढ़ी जाती है, पर यह दुआ के दुश्मन इसे हिंदू मुस्लिम के ठेकेदार बजरंग दल और वीएचपी के गुंडों ने मासूम बच्चों के लप पर नेक रास्ते पर चलने की फरियाद नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि यह एक मखसूस समाज के लिए और यहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, लिहाजा इसे ना सिर्फ बंद किया जाए बल्कि जो उस्ताद है फुरकान अली को सस्पेंड भी किया जाए। भगवाधारी योगी हुकूमत ने मासूम बच्चों को लप पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ने वाले जनाब फुरकान अली को माजूल कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि किस हद तक और किस इंतहा पर नफरत फैलाने वालों का काम इन भगवाधारियों की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। यह शिकायत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से की गई थी। इनका मुतालबा है कि मुसलमानों का गीत है, तकरीबन सभी बच्चों ने इसे स्कूल में पढ़ा है, अल्लामा इकबाल ने जिस तरह यह नज्म लिखी है, यह दुआ किसी धर्म भाषा का लिहाज ना करते हुए सीधे दिल में उतर जाती है। इसके मायने पर भी हम नजर डालें, आखिर क्या लिखा है इस दुआ में, और उन दुआओं के दुश्मनों पर भी नजर डालें कि मासूम बच्चों के लबों की दुआ भी इन्हें अब चुभने लगी है। यकीनन यह इंसानियत के दुश्मन ही हो सकते हैं। फिर चाहे हम कितनी भी मानाखेज बात कहे, लिखे या बोले, वे उन्हें उन जहनियत से ही तोल देते हैं, सिरे से खारिज करने का भरपूर कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि भारत लफ्ज से बनने वाली तस्वीर को ही तोड़ने का काम करने लगते हैं। अब एतराज करने वालों की सोच है कि यह दुआ तो खास मजहब की पैरवी है, यह मदरसे की दुआ है, स्टूडेंटों से इसे गवाना देशभक्ति नहीं है। दिलचस्प तो यह है कि यह नज्म स्कूल की किताबों का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स मिलकर उसे बुलंद आवाज में नहीं गा सकते। इसे गाने वालों को खास धर्म का होना चाहिए क्या? यह खतरनाक नज्म है क्या? यह वाकई खतरनाक नज्म है? आइए सबसे पहले इस नज्म के पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। यह नज्म बांगे दरा कुल्लियत इकबाल पेज नंबर 34 से है। नज्म का तर्जुमा कहता है कि उनकी ख्वाहिश है हमारी जिंदगी शमा की तरह रोशनी फैलाने वाली हो, दुनिया में फैला अंधेरा दूर करे, हम अंधेरा नहीं उजाला फैलाने वाले बने। ये दुआ कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा बनने का मौका और हौसला मिले ताकि उनसे देश की इज्जत शौहरत बढ़ जाए, वतन देश का नाम बदनाम ना हो। वे अपनी फुलवाड़ी में खिले फूल की मानिंद बता रहे हैं, इल्म से उनकी मोहब्बत हो इसकी दुआ कर रहे हैं, और तो और वे यह सब हासिल कर रहे कर कैसा इंसान बनना चाहते हैं, तो ये दुआ कर रहे हैं कि हमें हमदर्द बनाना, मददगार बनाना, मगर किसके लिए? गरीबों, दुखियारों, बुजुर्गों के लिए, दबे कुचले तबकों के लिए। यह पैगाम है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भटक जाए, मतलब ही ना बने, स्वार्थी हावी हो जाए। तो इनकी दुआ है हमें बुराई से बचाए रखना, अगर कहीं गलत रास्ते पर कदम बढ़े तो हमारे कदम नेकी के रास्ते पर चलाना। कुल मिलाकर इनकी दुआ क्या है? यही न कि यह खुद नेक इंसान बने, देशभक्त बने, मजलूमों दुखियारों के मददगार बने, समाज माशरे के लिए काम आए, दुनिया में फैले हर तरह के अंधेरे मिटाए। क्या हम बतौर समाज इन दुआओं को मासूमों की जिंदगी का सच बनाने के लिए कोशिश करनी है तो दूर उन पर गौर तक करने को तैयार नहीं? तो हम अपने मासूम बच्चों को कैसा बनाना चाहते? नफरत करने वाला, बुरा, झूठा, गरीबों बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ देने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। एक और बात यह है कि इस नज्म का नाम है बच्चे की दुआ, इसे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई या बौद्ध बच्चों की दुआ नहीं कहा गया।
सभी बच्चों की दुआ मानी गई, तो क्या हम अपनी नई पीढ़ी को, नई नस्ल को सबके साथ दुआ मांगते नहीं देखना चाहते, या एक दूसरे की दुआ में शामिल होते नहीं देखना चाहते? तो क्या हमें खुदा से परहेज है? वैसे जिन्हें ईश्वर में यकीन नहीं, उनके लिए ऊपर वाला खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान सब एक ही निराकार, अलग अलग जबानों में पहचानने के शब्द है। तभी तो महात्मा गांधी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, पर उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अल्लामा इकबाल तो दूर, महात्मा गांधी से ही ये नफरत करते हैं। गोडसे के औलादों को क्या मालूम कि मोहब्बत होती क्या है? धर्म के नशे में चूर होकर किसी महात्मा का कत्ल करने वाले क्या जाने कि ये नज्म क्या कहती है। मेरा काम है गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, जईफों से मोहब्बत करना। अरे तुम तो महात्मा गांधी को ही मारते हो। गौरी लंकेश, दाभोलकर, कलबुर्गी जैसे इंसानियत के पैरोकारों का कत्ल करने वालों, तुम्हें क्या मालूम कि मोहब्बत कैसे पनपती है? अपने आपने सही किया इस नज्म का विरोध करके। तुम तो अंग्रेजों की गुलामी करने वालों, तुम तो चाहते हो कि सावरकर को भारत रत्न मिले। सही है, नफरत के सौदागर कभी अमन का पैगाम दे ही नहीं सकते। और अल्लामा इकबाल जैसे फिलोसोफर की बात का एक लफ्ज भी तुम्हारी समझ में आना तुम्हारे बस की बात नहीं। भारत क्या है, तरानाए हिंदी में इसका जिक्र करने वाले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक और नज्म लिखी थी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत। अगर हम इसे उर्दू मानकर हिंदी में तर्जुमा करना चाहते हैं तो इसे भारतीय बच्चों का राष्ट्रीय गीत भी कह सकते हैं। इस नज्म में एक लाइन बार बार आती है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वही मतलब क्या? जिस जमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अमन भाईचारे का पैगाम दिया, गुरु नानक ने जहां इत्तेहाद का गीत गाया, यूनान वाले जहां आकर हैरान रह गए, जिसने सारे जहां को इल्म और हुनर दिया, वही मेरा वतन वही है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने स्कूल के लिए भी किताबों की रचना की है। इन किताबों के जरिए भी वे बच्चों में जो एहसास पैदा करना चाहते हैं वह है मुल्क से मोहब्बत का जज्बा, देश की गंगा जमुनी तहजीब पर फख्र, सोचने समझने का वसी दायरा, खुद पर भरोसा, खुददारी, बेहतर इंसान बनने का जज्बा। क्या हमने अब तय कर लिया है कि हमारी आने वाली नस्लों को इन जज्बातों के हवा से भी बचा कर रखेंगे और सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाएंगे? हम उन्हें इसलिए नफरत का सबक देंगे ताकि वो अच्छे इंसान और हमदर्द ना बन सके। बेहतर माशरे की सोच और फिक्र ख्याल इनके जहन में कभी आया ही नहीं, और सिर्फ एक खास धर्म को लेकर दुश्मनी को परवान चढ़ाते रहे। यकीनन हमने सब कुछ बर्बाद करने की ठान ली है और इंसानियत को धर्म के नाम पर भेंट चढ़ाने पर तुले हैं। अफसोस के हमने तारीख के सबक नहीं सीखा, लिहाजा दुआओं से हम नफरत करने वाले ही बनकर रहेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।